Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. So this is a recipe video जिसमें मैं आप लोगों को एक ब्रेड का नाश्ता या स्नैक बनाना सिखाऊंगी, जिसमें हमें सूजी, दही और कुछ वेजिटेबल्स चाहिए होंगे, जिसका बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता तैयार होता है, बहुत मज़े का लगता है, जैसे पिज्ज़े की तरह फ्लेवर आता है इसका। सो चलते हैं। फर्स्टली हमें चाहिए होगा दही, आधा कप सूजी, आधा कप और जो चॉप्ड वेजिटेबल जैसे कि अनियन, टमाटो और ग्रीन चिली। सूजी और दही को साथ में मिक्स कर देंगे और उसमें हम सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम जो हमारी कटी हुई चॉप्ड वेजिटेबल्स हैं उन्हें मिला लेंगे। साथ ही हमें चाहिए होंगी 2 से 3 स्लाइस ब्रेड की। उसके ऊपर, ब्रेड्स के ऊपर हम ये जो हमने बनाया है वो हम ऐड कर लेंगे। अच्छे से लगा लिए, उसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिए। उसके बाद हमें तवा, नॉनस्टिक पैन या कोई भी आप कढ़ाई पैन ले सकते हैं, जिसमें आप रिफाइंड ऑयल डालें। 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालने के बाद जो हम ब्रेड है उसे हमने जो साइड पर अपना बैटर लगाया था उस साइड से सेक लेना है। हल्का सा प्रेस करते हुए सेकें, बहुत हल्के से प्रेस करें और साथ ही साथ की जो हम फ्लेम रखेंगे बहुत स्लो रखेंगे, मतलब स्लो फ्लेम लें जिससे आपका जले नहीं और साथ ही साथ अच्छे से लो फ्लेम पे पक जाए। हम ना ब्रेड को ऊपर से रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे ऊपर की साइड पे और इसे टर्न कर देंगे। आप देख सकते हैं कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन से कलर आ गया है। दोनों साइड से हम ब्रेड को अच्छे से सेक लेंगे। हमने प्लेटिंग करने के लिए इसे ट्रायंगुलर शेप में काट लिया है, जैसे सैंडविच काटते हैं। साथ ही साथ हमने टोमेटो केचप और टोमेटो सॉस के साथ इसे सर्व किया है। इस रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, शाम के टाइम इवनिंग स्नैक्स में भी इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस इस कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।